ओके सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस, राइट? कुछ बैकग्राउंड तो नहीं है प्रिया? नहीं मैम। है ना? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. सो बिल्कुल बेसिक फ्रॉम द स्क्रैच मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ये फर्स्ट टॉपिक है विच इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट? नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिज आर टू टर्म्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. फाइनेंस एक काफ़ी ब्रॉड, मैंने फाइनेंस की जब मैं बात करती हूँ ना, फाइनेंस इज अ वेरी ब्रॉड एरिया. व्हेन आई टॉक अबाउट, व्हेन वी से फाइनेंस, फाइनेंस इटसेल्फ इट कवर्स अ ब्रॉड रेंज. उसके जो सर्विसेज हैं या जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है. फाइनेंस, व्हेन वी टिपिकली टॉक अबाउट फाइनेंस, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मनी. जब भी मैं बात करूंगी ना फाइनेंस का, तो वहां पे क्या आ जाता है? पैसा, पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ. ठीक है, तो अभी मैं आपके बुक में आ जाती हूँ. फाइनेंस का मतलब ही समझ रहे हो कि पैसा. बट व्हेन आई से अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप इज क्वाइट वास्ट. काफ़ी वास्ट स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. और अकाउंटिंग जो टर्म है ना, ये दो टर्म को पहले समझो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस का टिपिकल मतलब हुआ पैसा, इट इज रिलेटेड विथ मनी. ठीक है, और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, अकाउंटिंग व्हाट डज इट से, ये दो टर्म को आप समझ जाओगे तो ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएगी. ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि क्या है इसका मतलब. तो लेट मी राइट दिस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये दो टर्म है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. व्हेन आई से फाइनेंस, द स्कोप ऑफ फाइनेंस इज एक्चुअली वेरी वास्ट, मतलब उसका स्कोप काफी बड़ा है, काफी लार्ज है. तो फाइनेंस का एक्चुअल मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू मनी. तो व्हेन आई से फाइनेंसिंग और फाइनेंस, इट इज समथिंग रिलेटेड टू सोर्स ऑफ मनी. ठीक है, फंडिंग की बात हो रही है, फाइनेंसिंग की बात हो रही है. एक बिजनेस का जो मेन मोटो है, इट इज मनी. एवरीथिंग मतलब बिजनेस मतलब ही है यू नीड मनी, यू नीड मनी इन ऑर्डर टू जेनरेट मोर मनी. तो फाइनेंस इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी, हाउ विल आई रेज फाइनेंस. ठीक है, तो मैं बहुत ब्रीफ में तुमको समझा रही हूँ, बिकॉज आई विल नॉट गेट इन टू डिटेल्स, आपके एग्जाम भी हैं. तो जब मैं बात कर रही हूँ स्कोप ऑफ फाइनेंस की या सोर्स ऑफ मनी की, पैसे का सोर्सिंग है. अभी कंपनी, मैं अगर एक कंपनी की ओनर हूँ या मैं प्रोमोटर हूँ, हम लोग दो चार मिलके, दो चार प्रोमोटर मिलके एक कंपनी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट? हम लोग दो चार मिलके कंपनी को फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन व्हाट वी डिड, हमने कुछ अपने पैसे, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, हमने कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी और फिर वो पैसे बचाए हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग के लैंग्वेज में रिटेन्ड अर्निंग्स. मेरे कुछ पैसे बचाए हुए हैं, मैंने अपने जॉब से बचाए, तुमने कुछ पैसे बचाए, तुमने भी बचा के रखे हैं, जमाए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, वॉट रिटेन एवर अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग. हाँ, हमने रिटेन किया अपने, कुछ ना कुछ अर्निंग हमने किया था, उसको हमने रिटेन किया, उसको ही हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, तो अब ये जो जितने भी रिटेन्ड अर्निंग पार्ट है, जो भी रिटेन्ड अर्निंग है हमारी, हमने उसको कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस में, पैसे को लगाया. तो जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल. तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया? कैपिटल इज दैट पार्ट और दैट फंडिंग विच इज डन इन अ बिजनेस इन ऑर्डर टू रेज और इन ऑर्डर टू एनहेंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी और टू स्टार्ट द बिजनेस, एनीथिंग यू कैन से. जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, कैपिटल का मतलब ही है कि इट मीन्स सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज विल बी कैरिड ऑन और सर्विसेज. आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्शन हो, सर्विसेज हो. तो मैं जब कैपिटल लगा रही हूँ, तो कैपिटल का मतलब है वो पैसा विच विल जेनरेट फर्दर मनी, वो फर्दर पैसे को जेनरेट करेगा. क्लियर? एनी अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल, इट मीन्स दैट इट विल जेनरेट फर्दर मनी, इट विल जेनरेट मोर मनी. कैपिटल मतलब वही पैसा है जो पैसा हमने लगाया. एक मशीनरी खरीदी, आप एग्जाम्पल समझो, मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैंने और तुमने, हम लोग दो जन ने मिलके बिजनेस में इनिशियली 10 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किया. 10 लाख रुपीज लगा के हमने कुछ मशीनरी परचेज की, राइट? हमने कुछ मशीनरी वगैरह परचेज किया. मशीनरी परचेज करके हमने फैक्ट्री को स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड ऑफ विद द फैक्ट्री. अब फैक्ट्री में जब हमने फैक्ट्री को स्टार्ट की,
10 लाख रुपए लगा के, तो 10 लाख रुपए क्या हो गए हमारे, 10 लाख रुपए हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। कैपिटल हमने लगाया और मशीनरी खरीदी और फैक्ट्री सेटअप किया। ओके, तो वी सेटअप द फैक्ट्री। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक्स। 10 मिनट्स हम इसको बेसिक्स को करेंगे, देन वी विल मूव इन टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, चलो सो कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग प्रिया, इट इज दैट इज मनी, वी हैव इन्वेस्टेड सम मनी। तो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए क्या है हमारा, कैपिटल है। वो कैपिटल से मैंने मशीनरी लगाई और फैक्ट्री सेटअप किया, सब कुछ लगाया। ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद अब उसमें हम इनपुट देंगे, क्या होगा फैक्ट्री कैसे, मेरा जो मशीनरी है वो कैसे चलेगी। डेफिनेटली उसमें मुझे इनपुट्स लगाने होंगे, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल्स हो गया। आप कोई भी बिजनेस में ले लो, कुछ मैं पापड़ बना रही हूँ, कपड़े बना रही हूँ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, गमले बना रही हूँ, पौधे लगा रही हूँ, एनीथिंग, वट एवर यू प्रोड्यूस, यू नीड सम रॉ मटेरियल्स, राइट। यू नीड लैंड, कोई फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे आप सेटअप करोगे, लेबर जो इन काम को करेगा। एंड डेफिनेटली आई एम द एंटरप्रेन्योर हु इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, तो मैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ, आई एम ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। तो दीज आर द इनपुट्स, ये इनपुट्स को मैं प्रोसेस कर रही हूँ, जो कि मेरी मशीनरी में प्रोसेसिंग हो रही है। मैनेजमेंट के टर्म में इट्स प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम मैनेजमेंट के जो 4 M's हैं या मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं, 5 P's ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी 5 P's नहीं, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, वो प्रोसेस को हम लगाते हैं जब हम मैनेजमेंट की भाषा में बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में सीधे इनपुट आप लगा रहे हो, मशीनरी में प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनरी में क्या हो रहा है आपका, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन होके आप आउटपुट जेनरेट कर रहे हो। ठीक है, 10 लाख रुपए की तो मैंने मशीनरी खरीदी। अब यहाँ पर मैंने, हो सकता है 5,000 या 10,000 का सामान हमने, 5,000 का इनपुट दिया, प्रोडक्शन करते वक्त मुझे मे बी और 1,000 रुपए खर्च हुए हैं प्रोडक्शन के लिए। तो मेरा टोटल आउटपुट का कॉस्ट, मतलब टोटल आउटपुट का जो कॉस्ट है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया मे बी 6,000। मैंने इस पे एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 10%, या मैं चलो इसको 1,000 रुपए लग देती हूँ, 7,000 रुपए मैंने उसको सामान को बेचा 7,000 में सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अब देखो मेरा जो 10 लाख रुपीज है, इट रिमेन्स इंटैक्ट, वो मेरा जो कैपिटल में लगा है, वो जो मेरे फिक्स्ड एसेट में लगा है, जो मशीनरी में लगा, वो इंटैक्ट है। अब यहाँ पर दीज आर माई वर्किंग कैपिटल, ऊपर में जो था फिक्स्ड एसेट्स में मैंने लगाया, और नीचे जो मैं लगा रही हूँ ये मेरा करंट एसेट्स है, इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, बिकॉज ये रोल ऑन हो रहा है। देखो बिजनेस के लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। फर्स्ट विच आई डिस्कस इज अबाउट कैपिटल, मैंने कैपिटल लगाया एक बिजनेस में, क्या लगाया, कैपिटल, राइट, कैपिटल लगा के मैंने ये मशीनरी खरीदी, फैक्ट्री में सेटअप किया, फैक्ट्री के भी खर्च लगे, वो क्या हो गया मेरा फिक्स्ड एसेट्स, राइट। अब बिजनेस को प्रोडक्शन करने में जो जो चीजें मुझे, जो जो आइटम लग रही है, या जो भी आप सामान खरीद रहे हो, ये क्या हो गया मेरा करंट एसेट्स, राइट, इनपुट्स, रॉ मटेरियल में खर्चा, फैक्ट्री को चलाने के लिए जो खर्च है, प्रोडक्शन करने में जो मेरा 5,000 रुपए, ये हो गया मेरा करंट एसेट में खर्चा, या एक्सपेंसेस भी हो गए, कुछ कॉस्टिंग आ गई इसमें, मेरी डायरेक्ट कॉस्टिंग आ गई, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग आ गई। तो वो जितने एसेट्स पे कैपिटल लग रहा है ना इन्वेस्टमेंट, वो हो रहा करंट एसेट्स, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, वी ऑल्सो से दिस एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अभी मेरा खर्च हुआ 6,000, मैं उसमें प्रॉफिट लगा रही हूँ 1,000 का, एंड आई एम जेनरेटिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ 7,000, जिसमें से 1,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, 1,000 इज माई प्रॉफिट। ठीक है, और 6,000 जो है मेरे घर के घर में आ गया, जो मेरा वर्किंग कैपिटल था। ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, आप जो प्रॉफिट जेनरेट कर रहे हो ना, वो आपके कैपिटल में एड हो जाता है, राइट। तो मैंने जो पहला टर्म यूज किया आप लोग का, कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू जेनरेट फॉर द मनी। तो क्या हो गया, आपने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, 10 लाख की मशीनरी लो, या चलो आपने 9 लाख की मशीनरी खरीदी और 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल के लिए रख लिया। 1 लाख में मैं चलो 5,000 रुपया लगाई, या 6,000 रुपया मैंने लगाया, और 6,000 में 1,000 रुपया मैंने प्रॉफिट अर्न किया, 1,000 रुपया इज अगेन एडेड इन टू माई कैपिटल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं कुछ ज्यादा फास्ट जा रही हूँ? नो मैम। क्या, हाँ या ना? मतलब मैम ठीक है, मतलब तुम लोग के लिए ठीक है, बिकॉज यू आर फाइनेंस स्टूडेंट्स। प्रिया आप बताओ, आपको कितना समझ में आया?
जी वो करंट एसेट्स का थोड़ा और देखो बता दे रही हूँ, दो तरह के एसेट्स सोचे जो हम कैपिटल लगाते हैं ना बिजनेस में, जो कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया, हाँ कैपिटल कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर हाँ जो अमाउंट हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको कैपिटल बिजनेस बोलते को हैं। स्टार्ट करने के लिए लगता है, बट फर्दर भी हम और भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, फर्दर बिजनेस मेरा चल रहा है फिर से हमको कैपिटल की जरूरत होती है, तो वी ऐड मोर कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल हमें और भी ऐड करने की जरूरत हो सकती है, तो कैपिटल इज दैट फंडिंग, दैट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट फंडिंग इन अ बिजनेस विच इज एडेड इन ऑर्डर टू एनहेंस योर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इन ऑर्डर टू जेनरेट फर्दर मनी, मनी एडेड टू जेनरेट फर्दर मनी, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, कैपिटल वो पैसा है जो आपको पैसे कमा के देगा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कैपिटल वो पैसा है जो आपको, एक्सक्यूज मी एक मिनट, हाँ कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैपिटल वही पैसा है जो आपको फर्दर पैसे कमा के देगा, अभी कैपिटल से हम लोग बिजनेस में लगाते हैं कुछ फिक्स्ड एसेट्स में, जो आपके हो गई मशीनरी फैक्ट्रीज जो कि फिक्स्ड है जो कि इधर उधर मूव नहीं करने वाला, और एक हो जाता है करंट एसेट, करंट एसेट्स वो एसेट्स है, करंट एसेट्स मतलब जो एसेट्स इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश, जो एसेट्स आपका इजिली कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, अब देखो ये जो मैं रॉ मटेरियल्स में पैसे खर्च कर रही हूँ, रॉ मटेरियल्स लगा रही हूँ या इन्वेंट्री हो रहा है, वो क्या है, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, रॉ मटेरियल से मैं पापड़ बना रही हूँ, पापड़ बेचूंगी फिर वो पैसा तो कन्वर्ट हो जा रहा है मेरा, मैं जो 5,000 रुपया लगाई रॉ मटेरियल्स में वो तो वापस घूम घाम के आ गया ना मेरा पैसा, प्रिया यस यस मैम ठीक है, यस यस बोलते रहो बिकॉज आई कैन नॉट सी यू, अब देखो जैसा मैंने कैपिटल की बात की, मैं वापस से आ जाती हूँ यहाँ पर ये वाले सेगमेंट में, मैं क्या बता रही थी, फाइनेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो पहला शब्द को समझो फाइनेंस, फाइनेंस मतलब सोर्स ऑफ मनी, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे रेस करेगा, तो एक हो गया मैं अपना रिटेन्ड अर्निंग, मैं अपना खुद का पैसा लगा रही हूँ बिजनेस में, राइट मेरा जो खुद का पैसा है वो मैं लगा रही हूँ रिटेन्ड अर्निंग, नाउ सेकेंड इज आई कैन रेज कैपिटल, मैं बाहर से पैसे रेज करूंगी, बाहर से जो पैसे रेज करते हैं उसमें एक हो जाता है डेट, दूसरा हो जाता है इक्विटी, दो तरह के सोर्सेज होते हैं फंड के कि पैसे मैं कहाँ से रेज कर सकती हूँ, डेट हो गया, डेट का मतलब होता है उधारी, सीधा सा मतलब समझ लो यू टेक अ लोन फ्रॉम एनी वन, एंड सेकेंड हो गया इक्विटी, इक्विटी मतलब होती है ओनरशिप राइट, ठीक है ये दो तरीके से हम पैसे रेज कर सकते हैं मार्केट से, इसमें डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, अब सीधा सा बात है एक चीज आप जानो, जब मैं पैसे रेज कर रही हूँ, 10 एक कंपनी में 10 ओनर है या 10 प्रोमोटर है, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग, हर कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बिजनेस में बहुत सारे प्रमोटर हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं, अभी मैं एक्टिव पार्टनर हूँ बिजनेस में, आई एम दी एमडी और एमडी और सीईओ ऑफ द कंपनी हु इज एक्चुअली ऑपरेटिंग द बिजनेस, बट देर आर मेनी बिजनेसमैन हु हैव इन्वेस्टेड हु हैव देन हु हैव गॉट देयर एक्टिव स्टेक्स इन माय बिजनेस, उन लोगों का एक्टिव स्टेक्स है बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, दे जस्ट कंट्रीब्यूटेड, दे हैव जस्ट कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल पार्ट, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उनका एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, कैपिटल में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राइट, अभी वो तो yes, मेरे से पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग विद द मनी, आप क्या कर रहे हो हमारे पैसे का, जो इन्वेस्टर्स हैं और भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे कुड बी क्रेडिटर्स, दे कुड बी बैंक लोन, तो बैंक वाला भी मेरे से पूछेगा, तो इतने सारे लोग जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस क्या बड़ा होते जा रहा है, अभी छोटा सा बिजनेस नहीं है, जब एक ये 1 पर्सन कंपनी होती है ना तो इतनी छोटी सी मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसमें पैसे लगा रही हूँ, जैसे मेरी पीएसबी, मैंने पैसे लगाए, आई एम एंसरेबल, मैं काम करूँ सोऊ नाचू जो करूँ मुझे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन जब ये पीएसबी बड़ी होती जाएगी, सपोज इट बिकम्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने पैसे लगा दिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब 100 करोड़ लोग ऐसे बड़ी होती जाएगी, हाँ जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी कंपनी, जितना ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट आते जाएगा उतनी मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आई विल बी एंसरेबल टूवर्ड सो मेनी स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है, स्टेक
जिनका एक स्टेक है, एक्टिव इन क्या बोल सकते हो, उनका एक राइट है, स्टेक मतलब उनका राइट है, तो आई एम आंसरेबल टुवर्ड्स देम, राइट। तो जैसे बढ़ती जाएगी तो मेरी आंसरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं आंसर कैसे दूंगी, मैं कैसे बताऊंगी कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है बिजनेस में। फॉर दैट आई नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। मुझे उनको, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, कंपनीज एक्ट 1956 अपग्रेड होके हो गया कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि वॉट आर देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच एनी कंपनी, एनी पब्लिक, स्पेसिफिकली पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है दैट दे नीड टू प्रिपेयर देयर रिपोर्ट्स इन दिस फॉर्मेट। दिस इज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2000, मीन्स लेटेस्ट है कंपनीज एक्ट 2013। उसके हिसाब से सारे स्टेटमेंट्स और गाइडलाइन बनाने होते हैं, मतलब उनके गाइडलाइन के हिसाब से सारे स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट हमको बनाने होते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब रिपोर्ट्स जो हम बनाएंगे, तो रिपोर्ट्स तो हो गया एंड ऑफ द ईयर, एक साल की परफॉर्मेंस या क्वार्टरली परफॉर्मेंस, हाफ ईयरली बनाएंगे। तो जैसे आप लोग के एग्जाम होते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता है, तो हाँ मैम, वो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए आपको तो डेली पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि सीधा फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में चले गए, नहीं होगा ना। तो डेली का जो पढ़ाई है हमारा, वो हो गई हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर, हिसाब किताब रखना। तो फाइनेंस का, क्योंकि काफी बड़ा एक क्षेत्र है, बोल सकते हो द स्कोप ऑफ फाइनेंस इज वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, बट अकाउंटिंग का पार्ट है ना छोटा, इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉलर सेगमेंट। अकाउंटिंग मीन्स सिंपली वॉट यू आर अकाउंटेड फॉर, आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो यू आर अकाउंटिंग, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन। तो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हो गया अकाउंटिंग, और फाइनेंस हो गया काफी बड़ा पार्ट। फाइनेंस ह्यूज कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये दोनों को मिला के हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अभी समझ में आ रहा है हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है या क्या है, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको किसको किसको देनी है, ठीक है। मेनली क्या होता है, अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजंस। अकाउंटिंग हमें सारे छोटे से छोटे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, फाइन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बाद अपने जो नेक्स्ट सेशन है, जो हम लोग को करना है, उस पर मैं चली जाती हूँ।